अब हमारा काम क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं इस काम को। जो हमने अभी इंडेक्स में काम किया, यहाँ पे हमने पहले क्या किया, लेटेस्ट क्वेश्चन लिस्ट में क्या किया, जितने भी डेटाबेस के क्वेश्चन टेबल में क्वेश्चन थे उनमें से हमने पब्लिकेशन डेट के बिहाफ पे 5 क्वेश्चन गेट कर लिए थे और उसको हमने लेटेस्ट क्वेश्चन लिस्ट में लाकर स्टोर किया। दूसरा काम क्या किया कि हमने अपने टेम्पलेट को लोड कराया और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। तीसरा हमने क्या किया कि एक डिक्शनरी में हमने जितनी भी लेटेस्ट क्वेश्चन की लिस्ट थी उसको स्टोर कराया। फिर ये सब कुछ हमने HTTP रिस्पॉन्स में पास किया, और हमने किसकी मदद से किया, टेम्पलेट डॉट रेंडर की मदद से किया, जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया और कॉन्टेक्स्ट के साथ में फिर दूसरा हमारा रिक्वेस्ट। लेकिन यही सारा काम करने के लिए हमको जो डिजेंगो है इसी में डॉट शॉर्टकट्स मॉड्यूल में से एक रेंडर मॉड्यूल मिलता है। ये हमें एकदम आसान और शॉर्टकट तरीके से यही काम करने का एक तरीका देता है, तो उसी को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। ये सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन तो हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक हम इंडेक्स डॉट HTML फाइल पे पास क्या करेंगे, या किसी भी HTML फाइल पे हम पास करना चाहते हैं तो पास क्या करेंगे। तो पहला काम तो यही हो जाएगा। दूसरा काम, जो यहाँ पर हम टेम्पलेट ले रहे थे, ये टेम्पलेट हमको यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कमेंट कर देते हैं। तीसरा काम, जो हम ये कॉन्टेक्स्ट वाला कर रहे थे, ये ठीक है, हमको ये चीज़ चाहिए है, क्योंकि जब भी हम किसी भी HTML फाइल पे कोई डेटा भेजते हैं तो उसको हम एक बंच के अंदर भेजते हैं। अब वो डिटेल्स को चाहें जैसे भी लो, लेकिन यहाँ से हम उसको डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही भेजेंगे। वो भले हमको लिस्ट के फॉर्मेट में मिला है, और हम ये जानते हैं कि पाइथन के अंदर लिस्ट, टपल और डिक्शनरी जो है सेट है, इन सभी के अंदर हम पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर हम टपल या सेट या डिक्शनरी भी स्टोर करा सकते हैं। तो वैसा ही काम यहाँ पर भी है कि मल्टीपल क्वेश्चंस का हमें एक पूरा सेट मिला है जिसको हम कॉन्टेक्स्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर एज अ डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर किए हैं, जिसको आगे चल के हम पास करना चाहते हैं। तो ये जो रिटर्न वाला काम था, इस रिटर्न की जगह पे एक्चुअल में हम अब क्या करेंगे, रिटर्न तो कराना है हमको, लेकिन रिटर्न कराते समय हम कॉल करेंगे रेंडर मेथड को, और ये रेंडर मेथड में हम टोटल 3 पैरामीटर पास करेंगे। जो 3 चीज़ें हमें चाहिए, पहला तो हमारा वो रिक्वेस्ट हो गया जो हम बाय डिफॉल्ट हमेशा से पास कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट के बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं, रिक्वेस्ट पहली चीज़। दूसरा क्या है, हमारे टेम्पलेट का नाम, मतलब कि पोल्स फोल्डर के अंदर गए और इसके अंदर हमको मिल जाता है इंडेक्स डॉट HTML फाइल। दूसरा आर्ग्यूमेंट मतलब कि क्या हो गया, हमारे HTML का पाथ हो गया। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, तीसरा आर्ग्यूमेंट है हमारी वो डिटेल जो हमें इस पेज के ऊपर पहुंचानी है, जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट, दे दिया हमने। तो यही 3 डिटेल हमें चाहिए थी, और यही 3 डिटेल के लिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू इसको हम थोड़ा अलग तरीके से पास कर रहे थे, कि पहले हम टेम्पलेट को स्टोर कर रहे हैं, फिर टेम्पलेट के हम पाथ को पास कर रहे हैं। लेकिन वही काम हम थोड़ा शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। इसको एक बार हम रन करके भी देख लेते हैं कि क्या इसने काम किया, कि हमको कोई एरर तो नहीं मिला। रन करते हैं, सारा काम सेम टू सेम हो रहा है, हम क्वेश्चन पे भी क्लिक करते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अभी तक का ये काम हो गया कि हमने शॉर्टकट भी कर लिया HTTP रिस्पॉन्स का, रेंडर का यूज कर लिया रेंडर मॉड्यूल का, और हमारा जो इंडेक्स वाला फाइल था वो क्रिएट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमारे पास डिटेल नाम की एक मेथड बना रखा है हमने हमारे व्यू के अंदर, और वो डिटेल क्या कर रहा था, डिटेल हमको किसी भी क्वेश्चन की डिटेल को शो करा रहा है, ठीक है, ये शो तो करा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मान लो हम यहाँ पर अभी एक क्या कहते हैं, सिंपल सा छोटा सा स्ट्रिंग मैसेज दे रखें कि ठीक है यू आर लुकिंग फॉर दिस क्वेश्चन, लेकिन इसकी जगह पे हम अब बात करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन आईडी की, जो क्वेश्चन आईडी पहले से एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, अगर हम उसको देखने जाएंगे तो क्या होगा। तो ये सब कुछ करने से पहले हम डिटेल के लिए भी इसी तरीके से एक दूसरी HTML फाइल क्रिएट करें, जिसका नाम हम दे दें डिटेल HTML, और फिर वहां पर हम वैल्यू को पास करें और देखें कि अगर क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पोल्स में टेम्पलेट के अंदर,
तो पोल्स में टेम्पलेट के अंदर हम एक दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं डिटेल के नाम से, तो डिटेल्स डॉट एस टी एम एल हमारी फाइल का नाम हो गया, और हमारे मॉड्यूल का नाम एक्चुअल में डिटेल है, हम इसको डिटेल देते हैं, ठीक है। और स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, मैंने मेथड का नाम गलत कर रखा है, डिटेल की स्पेलिंग ठीक है, जिस नाम से हमने दे रखा है वैसे ही दे देते हैं, डिटेल के नाम से हम दे देते हैं इसको, या यहाँ पर हम सही कर लेते हैं डिटेल, ठीक है। डिटेल डॉट एस टी एम एल हमारी फाइल का नाम हो गया, इसको हम बंद करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले तो हम यहाँ से वैल्यू को पास करें हमारे डिटेल डॉट एस टी एम एल फाइल पे। तो उसके लिए क्या करना है, सब कुछ सेम टू सेम है, डिटेल हमको मिल रही है, क्वेश्चन आईडी मिल रही है, क्वेश्चन आईडी पे जो डिटेल हमें शो करानी है वो हम करा रहे हैं। अब यहाँ पर भी याद होगा कि हमने जस्ट ऊपर रेंडर का यूज किया है, तो हम यहाँ पर भी अब रेंडर का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर अब इस लाइन की हमको ज़रूरत नहीं रही, तो हम सीधे रिटर्न कराते हैं और रिटर्न में हम रेंडर को कॉल करते हैं, और रेंडर के अंदर सबसे पहली चीज़ हो गया रिक्वेस्ट, दूसरा हो गया हमारा उस फाइल का पाथ, तो पोल्स स्लैश डिटेल डॉट एस टी एम एल हमारे एस टी एम एल फाइल का पाथ, और तीसरी चीज हो गई जो हम डिटेल भेजना चाहते हैं। तो अब जैसे ऊपर वाला केस था, यहाँ पर हमने क्या किया कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने डिक्शनरी को स्टोर किया, अगर हम चाहें इसको डायरेक्ट भी हम पास कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे होगा क्या, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर डिक्शनरी ओपन किया और हम पूरा का पूरा क्या भेज रहे हैं, क्वेश्चन भेज रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन लिखा और इसके साथ में असल में हम क्वेश्चन ही भेज रहे हैं, तो हमने क्वेश्चन को भेज दिया, ठीक है। तो ये और इस क्वेश्चन के लिए हमको असल में यहाँ पर पहले क्वेश्चंस चाहिए है, जो क्वेश्चंस अभी तक हमने लिए नहीं है। अब ये क्वेश्चन हम लेकर कहाँ से आ रहे हैं, डेटाबेस के टेबल से, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास मॉड्यूल है मॉडल का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में से हमें सब कुछ गेट करना है, तो हमने मदद ले ली ऑब्जेक्ट्स की, और ऑब्जेक्ट्स में से हमको गेट क्या करना है, सारी की सारी क्वेश्चन आईडी, और उसमें से कोई एक जिसके लिए हम रिक्वेस्ट किए हुए हैं, कहाँ से, यूआरएल से। तो याद होगा या तो हम अपने टेबल में जो आईडी का फील्ड दिए हैं वो ले लें, या जेंगो में हमको एक पी के नाम से आर्ग्यूमेंट मिलता है जो क्या है, प्राइमरी की का नाम है। डजेंट मैटर कि टेबल में हमने प्राइमरी की का नाम क्या दिया है, कि यूजर आईडी, क्वेश्चन आईडी, चॉइस आईडी, कुछ भी, लेकिन हम अगर पी के लिख दें तो वो प्राइमरी की ले लेगा, और ये प्राइमरी की एक्चुअल में किस वैल्यू को होल्ड कर रहा है, क्वेश्चन आईडी को, ठीक है, परफेक्ट। क्वेश्चन आईडी हमको मिल गई, यही क्वेश्चन आईडी हम कहाँ फिर भेज दे रहे हैं, क्वेश्चन नाम के वेरिएबल के थ्रू हमारे डिटेल डॉट एच टी एम एल पेज पे। अब ये चीज़ अगर हम थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्ट भेजना चाहें तो डायरेक्ट भेज सकते हैं, ठीक है। इतना काम अगर हमारा हो रहा है, मतलब कि इसको हम चल के हमारे डिटेल डॉट एच टी एम एल के पेज पे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एच टी एम एल पे पूरा कोड करने से अच्छा है हम एच टी एम एल जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके ले चलते हैं डिटेल डॉट एच टी एम एल के पेज पे, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद में एक्चुअल में हमको क्या चाहिए था, वहाँ से सिंपली केवल और केवल चाहिए था ये एच टी एम एल का फॉर्मेट, तो एच टी एम एल का फॉर्मेट हमको मिल चुका है, और यहाँ से हम क्या दे देते हैं, हम हेडिंग को चेंज कर देते हैं कि वेलकम टू क्वेश्चन डिटेल पेज, परफेक्ट। इतना जो हुआ है क्या हम इसी को पहले चेक कर लें कि ये सही सही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने व्यू में जितना काम अभी किया है इसके बिहाफ पे हम ये तो अब चेक कर सकते हैं कि डिटेल मेथड को कॉल करने पे वो हमको वैल्यू दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर और क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू क्वेश्चन पे, मिल गया हमको फाइल वेलकम टू क्वेश्चन डिटेल पेज, आसान था, जैसा हमने इंडेक्स डॉट पी एच टी एम एल के लिए काम किया वैसा ही सेम टू सेम काम हमने कर लिया डिटेल डॉट एच टी एम एल के लिए, ठीक है। जब इतना काम हो गया है तो अब हमें चाहिए क्या है, यहाँ से हमको सिंपली वो क्वेश्चन दिखाना है, ठीक है, हम दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं डिटेल डॉट एच टी एम एल के पेज पे,
अब डिटेल डॉट एच टी एम एल के पेज पे हमको थोड़ा सा कोड लिखना है ताकि हम डिटेल डॉट एच टी एम एल के पेज पे चीज़ों को सही से दिखाएं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम उस क्वेश्चन को फेच कर सकते हैं। तो मान लो कि सबसे पहला काम तो ये था कि हम चेक ही कर लें कि वो आईडी सही से डिटेल लेकर आ रही है कि नहीं आ रही, यानी कि वो जो क्वेश्चन है वो हमको मिल रहा है व्यू से कि नहीं मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, इस आर्ग्यूमेंट की जो हमने पास किया था कहाँ, इस डिक्शनरी में, ठीक है। तो डिटेल की फाइल पे हम चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉरी हमको कंडीशन चेक करनी है। हमने लिखा इफ, और इफ के बिहाफ पे हम क्या चेक करने वाले हैं, क्वेश्चन, कि अगर ये क्वेश्चन हमको मिल रहा है तो हम आएंगे अंदर, और यहाँ पे आके हम शो करा सकते हैं जो भी क्वेश्चन हमको अभी मिला हुआ है। तो हम सिंपली उस क्वेश्चन को या क्वेश्चन के बिहाफ पे टेक्स्ट को शो करा सकते हैं या उसके बिहाफ पे हम चॉइसेस को भी शो करा सकते हैं। तो अभी के लिए हम केवल और केवल क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन मिला है उसी को पैराग्राफ के अंदर शो करा देते हैं। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ के अंदर हमने डबल कर्ली ब्रेसेस लिया और सिंपली हमने लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको एक बार हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या मिल रहा है। सो हमने अपने डिटेल पेज पे गए और रन किया, क्या मिल गया हमको, क्रिएट न्यू क्वेश्चन, क्योंकि ये था क्या था, क्वेश्चन का नाम था। अगर हम वापस चलते हैं और क्लिक करते हैं हाउ टू यूज जेंगो, मतलब कि हमको ये क्वेश्चन का नाम मिल गया। अब ये क्या था, ये पैराग्राफ है, इसको भी अगर हम ब्यूटीफाई करना चाहें तो यहाँ से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। एल आई यहाँ पर मौजूद है नहीं तो हम इसको पी कर देते हैं, और पी के साथ में फॉन्ट की साइज हमने 20 कर दी और कलर ग्रीन कर दिया, ठीक है, इतना सही है। तो एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं, हो गया काम, कलर ग्रीन हो गया और फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, हमको इतना काम मिल गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सपोज दैट यहां पर तीन क्वेश्चन तो थे, लेकिन तीसरे क्वेश्चन के बाद में अब अगर हम यहां पर क्लिक करें चौथा क्वेश्चन और एंटर करें, फाइनली हमें क्या मिल गया, डज नॉट एग्जिस्ट एट पोल्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले का जो केस था वहां पर तो हमने मैन्युअली दिया था कि ठीक है यूआरएल में जो भी कुछ हम आईडी देंगे वो पास होगी और उसके बिहाफ पे जो कुछ भी हमने स्ट्रिंग मैसेज एक छोटा सा दिया है वो मिल जा रहा था। लेकिन अब फाइनली हम जो डिटेल्स लेकर आ रहे हैं वो मॉडल के क्वेश्चन से लेकर आ रहे हैं, और वहाँ पर अगर हम क्वेश्चन टेबल के अंदर जाएं तो यहाँ पर फोर नाम की आईडी कोई एग्जिस्ट करती नहीं है। इसलिए हमें क्या मिल गया यहाँ पर कि डज नॉट एग्जिस्ट पोल्स स्लैश फोर, मतलब कि इस नाम की कोई आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है। और अब हमारा काम क्या है, इसको हैंडल करना है कि इस एरर को हम हैंडल कैसे करें। तो याद होगा पाइथन के अंदर हमने ट्राई एक्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सेम टू सेम वही ट्राई एक्सेप्ट हर जगह काम करता है, वैसे ही हम यहां पर भी उसी ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा कि हम इस प्रॉब्लम को ट्राई एक्सेप्ट का यूज करके हैंडल करेंगे, और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने जेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था, जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा वन बाय वन मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नंपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी वीएस कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और
नेक्स्ट वीडियो में।